डिजिटल न्यूज, मैं हूँ वंदना झा। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। लाल किला से लेकर पूरे देश में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। लाल किला पर तीनों सेना के प्रमुख राष्ट्रपति ने देश की आन बान और शान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। मिथिला के हृदय स्थली मधुबनी जिले में भी बड़े ही शान के साथ तिरंगा फहराया गया। जिला मुख्यालय में मुख्य समारोह पुलिसाधिकारी अमित कुमार ने राष्ट्र ध्वज फहराया। सर्वप्रथम पुलिस कप्तान डॉक्टर सत्य प्रकाश के साथ परेड निरीक्षण कर जिलाधिकारी ने मुख्य समारोह स्थल पर राष्ट्र ध्वज फहराया। आरक्षी बलों के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर के साथ राष्ट्र ध्वज को सलामी दी गई। समाहरणालय पर जिलाधिकारी अमित कुमार, जिला सत्र न्यायालय में जिला सत्र न्यायाधीश, व्यवहार न्यायालय में SDAM, दी रहेगा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रधान शाखा पर अध्यक्ष ब्रह्मानंद यादव, नगर परिषद कार्यालय पर मुख्य पार्षद सुनैना देवी सहित विभिन्न सरकारी कार्यालय पर विभागीय अधिकारी, राजनीतिक दलों के कार्यालय पर जिला अध्यक्ष के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। इसके अलावा जिले के पांचों अनुमंडलों में बड़े ही धूमधाम के साथ समारोह पूर्ण आयोजन के साथ राष्ट्र ध्वज फहराया गया। झंझारपुर अनुमंडल के मुख्य समारोह स्थल ललित कर्पूरी स्टेडियम में SDM शैलेश कुमार चौधरी ने झंडोत्तोलन किया। इसके अलावा प्रमुख स्थल शहीद पूरन पंचानन स्मारक, भारतीय रेड क्रॉस, व्यवहार न्यायालय, अधिवक्ता संघ, अनुमंडल कार्यालय उपकारा, अमर निवेदन कार्यालय, नगर पंचायत कोषागार, अनुमंडलीय अस्पताल, बाजार समिति, नगर थाना, सर्किल पुलिस निरीक्षक कार्यालय पर अनुमंडल प्रशासन के द्वारा झंडोत्तोलन का आयोजन किया गया। सभी जगहों पर संस्थान के प्रमुखों द्वारा झंडोत्तोलन कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। नगर पंचायत कार्यालय पर मुख्य पार्षद वीरेंद्र नारायण भंडारी, अवर निबंधन कार्यालय पर रजिस्ट्रार DN मंडल, सर्किल पुलिस निरीक्षक कार्यालय पर इंस्पेक्टर महफूज आलम, नगर थाना पर थानाध्यक्ष चंद्रमणि ने झंडोत्तोलन किया। इस वर्ष मुख्य समारोह में किसी प्रकार की झांकियां नहीं निकाली गई। स्कूली बच्चों के परेड भी नहीं कराए गए। COVID-19 की वजह से एकदम सादगी के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। फुलपरास अनुमंडल कार्यालय पर SDM गणेश कुमार, मुख्यालय थाना पर पुलिस निरीक्षक सह SHO कुमार कीर्ति, प्रखंड कार्यालय पर प्रमुख ने झंडोत्तोलन कर राष्ट्रध्वज को सलामी दिया। सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर अनुमंडल कार्यालय पर SDM बेबी कुमारी, SDPO कार्यालय पर ASP डॉक्टर सौर्य कुमार, नगर पंचायत कार्यालय पर मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने राष्ट्रध्वज फहराया। बेनीपट्टी अनुमंडल के सीमावर्ती क्षेत्र मधवापुर में विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दलों के कार्यालय और शिक्षण संस्थानों में 72वां गणतंत्र दिवस कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर मनाया गया। देश के लिए अपनी कुर्बानी देने वाले महापुरुषों को याद किया गया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सरकारी व गैर सरकारी संगठनों के कार्यालय, शिक्षण संस्थानों पर 72वां गणतंत्र दिवस काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बालेंदु नारायण पांडे, अहमद अब्दाली, BRC में BO विमला कुमारी, बिस्फी थाना में थाना अध्यक्ष संजय कुमार, पताना OP में OP अध्यक्ष विजय पासवान, OC OP में OP अध्यक्ष कुणाल कुमार, पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर शिवशंकर यादव, जनजीवन कल्याण संघ RMP, ग्रामीण चिकित्सक संगठन कार्यालय परिसर पर जिला अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम पंजियार, डॉक्टर राम अवतार रमन समेत कौशल विकास केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मोहम्मद रिजाउर रहमान, सुनील कुमार चौधरी, OC 0 माइल हरुणिया मार्केट में डॉक्टर असलम, खंगरेटा +2 उच्च विद्यालय में फैयाज अहमद, मध्य विद्यालय में उषा देवी ने झंडा फहराया। इस मौके पर प्रखंड परिसर में वर्तमान विधायक हरिभूषण ठाकुर बजौल भी शामिल हुए।
इस वर्ष वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सादगी के साथ लेकिन उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। आजादी के बाद इतिहास में पहली बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्कूली छात्रों के द्वारा प्रभात फेरी नहीं निकाली गई। विद्यालयों में बुनिया भुजिया का वितरण नहीं हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हुआ जिसमें बच्चों में मायूसी देखी गई। बावजूद देशभक्ति के भावना से ओतप्रोत पूरे जज्बे और उत्साह के साथ जिले भर में 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया।